हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में हुए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कि कौन सी घटना किस वर्ष में हुई थी। इससे रिलेटेड दोस्तों प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो दोस्तों यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण कंटेंट। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ। तो दोस्तों ये जो पारित हुआ था कब हुआ था, 1904 में हुआ था। कौन सा अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जो कि 1904 में ये पारित हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला आपका इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बंगाल विभाजन की जो घटना हुई किस वर्ष हुई दोस्तों, 1905 में, तो ये आपको याद रखना है। इसका दोस्तों आगे अपना है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना से भी एग्जाम में प्रश्न आया है और हमेशा आता रहेगा, तो आपको दोस्तों ये दोनों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन 1905 में और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सूरत अधिवेशन की घटना और कांग्रेस में फूट की जो घटना हुई थी ये किस वर्ष में हुई थी, 1907 में हुई थी। दोनों घटना आपको याद रखना है, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट कब हुई दोस्तों, 1907 में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हमारा अगला पॉइंट है आपका मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के लिए कौन सा सन आपको याद रखना है, 1909 आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब दोस्तों, 1911 में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला हमारा है होम रूल लीग का निर्माण। होम रूल लीग का निर्माण दोस्तों किस वर्ष हुआ, 1916 में ये हुआ था। और 1916 में साथ में आपको याद रखना है मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, जिसको आप लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, तो ये जो हुआ था कब हुआ था, 1916 में। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है लखनऊ पैक्ट की घटना कब हुई, 1916 में, या पूछ ले कांग्रेस समझौता कब हुआ, 1916 में। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला कंटेंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन में कब, 1917 में भाग लिया गया, कब, 1917 में। इसके बाद अगला है जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, रोलेट अधिनियम। अक्सर एग्जाम में प्रश्न ये आता है, रोलेट एक्ट जिसके नाम से आता है, किसके नाम से आता है, रोलेट एक्ट के नाम से, या इसको बोल सकते हैं रोलेट अधिनियम, कब दोस्तों, 1919 में। ठीक है, कब आया दोस्तों, 1919 में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हमारा अगला कंटेंट दोस्तों आपका है 1919 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी दोस्तों कब हुई थी, 1919 में। और 1919 में यदि एक और हम देखें तो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, ये तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कम है, जलियांवाला बाग मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 1919 में आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड और मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1920 में। और असहयोग आंदोलन तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गांधी जी से रिलेटेड जितने भी दोस्तों आंदोलन है उनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनके जो सन है वो तो आपको याद रखना ही है। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ, 1920 में ये हुआ था। असहयोग आंदोलन के बाद दोस्तों हम बात करेंगे चोरी चोरा कांड की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, 1922 में हुई थी। और इसी घटना के बाद में दोस्तों जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, कौन सी घटना में, चोरी चोरा कांड में 22 पुलिस वालों को, प्रश्न एग्जाम में आएगा कितने पुलिस वालों को, तो दोस्तों 22 पुलिस वालों को इसमें जिंदा जला दिया गया था। इसी के बाद दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था इसको क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। ठीक है, प्रश्न यदि पूछ ले कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, तो 1922 में समाप्त हुआ था। शुरू कब हुआ था दोस्तों, 1920 में। बात सभी को में आ गई होगी। अगला दोस्तों हम देखेंगे, अगला पॉइंट आपका है साइमन कमीशन की नियुक्ति। दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी वो कब हुई थी, 1927 में। लेकिन प्रश्न एग्जाम में आता है वो कैसे आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो उसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है 1928। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 1927 में। और जो साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों वो कब आया था, 1928 में आया था। आगे दोस्तों हम बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है अगला वाला कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था वो कब फेंका गया था दोस्तों, 1929 में फेंका गया था। ठीक है, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में उनके साथियों के साथ मिलकर जो बम फेंका गया था वो कब फेंका गया था, 1929 में फेंका गया था। 1929 के बाद दोस्तों बात करेंगे एक और 1929 से रिलेटेड, कांग्रेस द्वारा पूर्ण, किसकी दोस्तों, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग की गई वो कब की गई, वो भी 1929 में ही की गई थी। इसके बाद सीधा आगे बढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1923
1931 में। इसके बाद दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से भी एग्जाम में प्रश्न आता है, तो आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन का याद रखना है, सीरियल बाय सीरियल है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1932 में हुआ था। तो तीनों आपको याद रखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं और उनके सन। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल।